ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। असनावर पुलिस ने वन भूमि विवाद में फायरिंग एवं पुलिस जाब्ता पर हमला करने वाले 3 माह से फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने बताया कि बालदेव एवं गादियामेर गांव के लोगों के मध्य दोनों गांव के मध्य स्थित सरकारी वन भूमि पर मवेशी चराने की सीमा विवाद को लेकर आपस में मारपीट एवं लड़ाई झगड़ा किया गया था, जिसमें बालदेव गांव के अभियुक्त गण द्वारा बंदूक से फायरिंग की गई, जिसमें गादियामेर गांव के व्यक्तियों को चोटें आई थी। उक्त विवाद की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंचे असनावर थाना पुलिस पर अभियुक्तगण द्वारा हथियारों से हमला कर सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की गई थी। घटना के संबंध में दर्ज प्रकरणों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश यादव के निर्देशन, सीओ देवेंद्र सिंह राजदावत के सुपरविजन में थानाधिकारी असनावर हरवंत सिंह के नेतृत्व में थाना पुलिस ने 3 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। बीपीएनयू संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। असनावर, राजस्थान से खबर।